आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज द मैट्रिक्स नॉट प्रोडक्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ इट्स सेल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन फॉलोइंग टिश्यूज के अंदर मैट्रिक्स जो है वो प्रोडक्ट कौन सा नहीं होगा सेल सिंथेसिस के अंदर। तो हम बोलेंगे सेल जो एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट रोल की बात अगर करी जाए यहाँ पे, तो इट मार्क एज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ से हम बोल सकते हैं सेल जो एक प्राइमरीली स्टेज है पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि सेल के पार्टिसिपेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए और फॉर द फॉर्मेशन, क्योंकि यही सेल्स आगे जाके मॉडिफाइड होते हैं इनटू द टिश्यू रेंज। और टिश्यू रेंज से हम बोल सकते हैं ये क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं और आगे जाके टिश्यू जो है क्लब होके फॉर्म करता है ऑर्गन को। एट अ पर्टिकुलर साइट हम बोल सकते हैं ऑर्गन का रोल परफॉर्म करता है डिफरेंट सिस्टम्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। इस तरीके से अगर यहाँ पे बात करी जाए मैट्रिक्स रीजन्स की, तो यह हम बोल सकते हैं टिश्यू रीजन के अंदर यहाँ पे बोल रहा है मैट्रिक्स जो है प्रेजेंट नहीं होता इन कौन से सेल्स में से, क्योंकि हम बोल सकते हैं टिश्यूज के अंदर सर्टेन टाइप्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। क्योंकि अगर टिश्यूज की यहाँ पे बात करी जाए तो ये कॉम्पोनेंट्स ही हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। अब जो सिंथेसिस एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं करते मैट्रिक्स रीजन्स के अंदर, वो कहलाता है हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो बता रहा है वेस्कुलर टिश्यू। अब बात अगर करी जाए वेस्कुलर टिश्यू की, तो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इट कंसिस्ट एज द कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू। कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू बोला गया है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे इसकी एक्टिविटी उसके फंक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये टिश्यू जो है फॉर्म होता है विथ मोर देन वन सेल। इसके साथ हम बोलेंगे ये फाउंड होता है इन टू दी वेस्कुलर रीजन्स, और ये वेस्कुलर रीजन जो है शो करती है प्लांट्स के अंदर। तो एक तरीके से हमें वेस्कुलर प्लांट्स भी बोल सकते हैं। जो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरियस एक्टिविटीज के लिए, और हमने हमारे पहले की वीडियोज में भी बात करी है। ये रीजन जो है कहलाते हैं फ्लोएम एंड जाइलम। अब जाइलम और फ्लोएम की बात करी जाए, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वेरियस कंपोनेंट्स और फ्लूड के नेचर को अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, क्योंकि एक तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म में काम देते हैं प्लांट्स के अंदर फॉर फ्लूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी हम बोलेंगे जो प्लांट्स के असेंशियल पार्ट होते हैं उन पे ये दोनों इकोनॉमिकली वर्क करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट जो है वेस्कुलर टिश्यू, वो करेक्ट आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।